फुल देखो क्या था, फटफट कर रहा है, देखो कैसे हिल रहा है वहाँ पे। ये देख लो गाइस, साथ में पुराने गाने सुने जा रहे हैं। ये देखो जबरदस्त व्यू, और बाइक बीच में खड़ी अपनी। तो फाइनली रूम को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। चलो सामान हमने ले लिया अपना, थोड़ा बहुत सामान हाथ में पकड़ लिया, टैंक बैग मेरे पास है। हाँ तो ये था अपना होटल, होटल एप्रिकॉट इन। तो इसको बाय बाय करने का टाइम आ गया है। चल भाई, और पीछे का व्यू चेक करो यार, कितना बढ़िया देखो। और टाइम हो गया है 1:45। आज हम बहुत लेट हो गए हैं, बस मस्ती मारते रहे, आराम से उठे, सारा कुछ आराम से किया हमने आज। और होटल हमारा बढ़िया था। चलो अभी हम, ये है कारगिल सिटी जो आप देख रहे हो। तो यहाँ से हम निकलते हैं, और आपको पहले, हमने पहले अपना फ्यूल अप करवाना है, तो पहले फ्यूल कराते हैं। ये है कारगिल सिटी, और सिटी से ये सारी मार्केट है, उस तरफ अपना होटल था। और ये व्यू है, पानी देखो कितना तेज़ चल रहा है, बढ़िया लग रहा है। ऊपर वो रोड है, हमने उस तरफ जाना है, वो गाड़ियाँ दिख रही हैं। तो गाइस अभी हो चुका है एक बाइक का कांड, सैम्बी भाजी का हिमालयन हो चुका है पंचर। तो उसमें अभी हवा भर रहे हैं, इसमें कनेक्टर ला के कनेक्ट करके उसमें हवा भरी जा रही है। तो अभी फ्यूल अप भी कराना है, तो पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएगी बाइक। वहाँ पे जाके पंचर लगवाएंगे पहले, फिर पेट्रोल डलवाएंगे, और उसके बाद फिर आगे को चाला करेंगे। तो आ गए हैं पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल फुल करवाते हैं यहाँ पे। टैंक बैंक उठाओ, फुल करवाते हैं टैंकी यहाँ से, जहाँ भी जाते हैं टैंकी फुल हो रही है। चलो जी, हर जगह रेट का रेट डिफरेंट है, 98 है कहीं, 99 है कहीं, 101 है, यहाँ पे 102.29 पैसे है। ऐसे लग रहा है बिल्कुल ना, सीनरी होती है ना, जैसे हम सीनरी देख रहे होते हैं, हमारे पिक्चर सामने लगी होती है, पिक्चर बिल्कुल पिक्चर है ये, बिल्कुल सामने हमारे। और यहाँ पे हवा चलने लगी है, और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, मैंने ग्लव्स नहीं पहने, तो मैंने अभी टैंक बैग में रखे हुए यहाँ पे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पहन लूँगा, नहीं तो मज़ा आ रहा है। वो देखो आधी गाड़ी खड़ी है ऊपर, ये कैसे खड़ाई होगी इन्होंने, सही है। वो देखो रंग बिरंगे पहाड़, ग्रे कलर का पहाड़, ये ब्राउन, वो ग्रे, पीछे लाल बड़े वाला, ऊपर ब्लैक कलर का भी देखो, सबसे ऊपर चोटी पे रंग बिरंगे पहाड़ शुरू हो गए हैं, खतरनाक, पता कितने खतरनाक लगते हैं ये पहाड़, डरावने लगते हैं। देखो ऐसा लगता है मतलब कोई पहाड़, मतलब पत्थर ऐसे लगे हुए हैं, कोई भी किसी टाइम नीचे गिर सकता है, ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे लगे हैं ये, कोई भी बीच में निकल के नीचे गिर जाएगा, मतलब ये देखो गिरे हुए हैं ना बड़े बड़े, ये तो ऊपर आए हुए हैं, कोई भी कभी भी नीचे गिर जा सकता, नीचे गिर सकता है। पत्थर है ये, सारा पत्थर है, लगने में मिट्टी लगती है, ये सारा पत्थर है। और ऐसा फील होता है कि मैं रेगिस्तान में आ गया हूँ। होए होए होए, क्या ही चीज़ है ये, नदी है वैसे, सूख चुकी है, पानी नहीं है इसमें, जैसे रेगिस्तान में पानी ख़त्म हो गया तो यहाँ पे रेगिस्तान में पानी ख़त्म हो चुका है, बढ़िया ना। जबरदस्त व्यू, और बाइक बीच में खड़ी अपनी। और सब आ रहे थे, बाय बाय कर रहे थे हमें यार। देखो क्या व्यू है, और ये देखो क्या लिखा है,
डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। और ये हरी रिवर जाती है नीचे से, अभी बिल्कुल पानी नहीं है, बिल्कुल ख़त्म है, पानी नहीं है, सारा रेगिस्तान। और मुझे चढ़ रहा है सांस, सांस चढ़ रही है बहुत ज़्यादा। और ये खड़ी अपनी बाइक सेंटर में, खड़ाई है मैंने सेंटर में, क्या मस्त लग रही है। और इस लोकेशन में बाइक कितनी मस्त लग रही है यार। चलो चले फिर। इसकी हाइट है, एल्टीट्यूड है 12,198। तो अब अभी अभी हम 12,000 की हाइट पे हैं। और ये वाला व्यू देखो, वो भाई यार कितना डीप है यार। हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, और आप अपने फ्लैग से अंदाजा लगा लो कि कितनी हवा चल रही है। देखो उस भाई के बाल उठ रहे हैं, देखो सभी भाई के। और सामने का व्यू देखो, बादल जहाँ जो जो ब्लैक हुआ पड़ा है वो बादल है, वो बादल का परछावा पड़ रहा है, ऊपर स्नो है, और ये सारे पहाड़ बहुत सही। पहले गाने बंद कर दूं, ये तो कॉपीराइट आ जाएगा। और यार सामने व्यू देखो, वो धूप पड़ रही है उस पर, और वो सारे अलग दिख रहे हैं, वो अलग से दिख रहा है देखो। और मेरे वाइजर में ना फॉग आ गई है, ठंडा यहाँ पे हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। मैंने वाइजर ओपन कर लिया अपना। ओ वाह यार, कुदरत कुदरत कुदरत, यही देखने तो हम आया यार बाइक पे। दिल करता यहीं पे ना घर ले लेते हैं, यहीं पे रहते हैं। और यहाँ पे खाने पीने का रास्ते में कुछ नहीं है, सोच रहा हूँ एक KFC वाला डोमिनोज कुछ खुलवा देते हैं, काम अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा। ना यहाँ पे पंप है, ना कोई घर है, ना कोई आता है, ना कोई जाता, बस सब ऐसे ही चले जा रहे हैं, टूरिस्ट आ रहा जा रहा है। खाने पीने के लिए कोई ढाबा नहीं है, कोई दुकान नहीं है। मैंने वाइजर खोल रखा ना, इसलिए विंड नॉइस ज़्यादा आ रहा है। ये धुआं देखो, उससे पहले मैंने वाइजर बंद कर लिया अपना, नहीं तो धुआं धुआं हो जाता अंदर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया। ये देख लो गाइस, साथ में पुराने गाने सुने जा रहे हैं स्पीकर पे यहाँ पे। और सामने का व्यू देखो कितना बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया सी लोकेशन पे ऊपर स्नो, और इधर धूप पड़ रही है ऊपर, बिल्कुल पीसफुल, बिल्कुल शांति, कोई भी नहीं है। और मुझे आ गया है सुसु, तो पहले मैं सुसु करूँगा। यार एक तो यहाँ से ना उतरना, ऐसे उतरना होता है पता है, ऐसे करके। चलो सुसु करता हूँ, बड़ी ज़ोर से सुसु आ रही है, एक घंटे से बाइक चला रहा हूँ, बाइक रोकी नहीं बिल्कुल भी। तो गाइस ये आ चुका है फटूला टॉप, फटूला टॉप। और इसकी हाइट है 13,479। बढ़िया चल रहा है अभी। हमारे बंदे कहाँ गए, चले गए, तो हमने फोटोग्राफ खिंचवानी थी यहाँ पे फटूला टॉप।
छोटे छोटे डॉग देख रहे हो कितने प्यारे लग रहे हैं। चलो यहाँ फोटो हमने खिंचवाई नहीं, टाइम हमारे पास कम है, चलते हैं आगे। एकदम ये वाला व्यू जी नहीं भरता, देखते जाओ यार। ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा, मेरे को लग रहा है टेम्परेचर पता कितना होगा, थोड़ा नीचे ही होएगा, -1 -2 हो रहा, जैसे फील होता है ना वैसे फील हो रहा है, इतनी ठंड लग रही है मेरे को। मैंने लाइनर पीछे रखा हुआ है, बाहर ही बांधा हुआ है पंजी रोड पे, सोच रहा हूँ रुक के पहन लूँ। ओहो, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना, ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा। ने नीचे इनर पहना हुआ है, टी शर्ट पहनी है, इनर पहना है, राइडिंग जैकेट पहनी है मोटी वाली। चलो अभी चलते हैं, खींचते हैं यार, अभी हमारा ना बहुत रास्ता बड़ा है, 125 किलोमीटर राइडिंग पड़ा होगा, 130 के अराउंड होगा, तो टाइम भी था मेरे को, टाइम कितना होगा, टाइम 4:45 हो गया यार, लेट हो गए हैं, रात हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। आज आप सोच रहे हो कि बाकी हमारी जो टीम है वो मिली नहीं आपको, देखी नहीं, वो सुबह थोड़ा जल्दी चले गए थे, वो दूसरे होटल में थे, बताया था मैंने आपको पहले, तो वो हमसे आ गई हैं, ले जाके मिल जाएंगे, जा रास्ते में मिलेंगे। रोड देखो नीचे ज़िगज़ैग वाली, छोटी छोटी गाड़ियाँ दिख रही हैं, देखो अभी हम नीचे आना, मुझे अभी पहले चढ़ाई की, अब नीचे जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे रुका हूँ मैं अभी एक मिनट के लिए, पानी देखो कितना क्लियर है यार, बहुत ज़्यादा साफ है। लुक एट द व्यू, शांति बिल्कुल। पार्टनर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, वहाँ पे छोटे छोटे पौधे लगे हैं, देखो पेड़ लगे हैं, बढ़िया लग रहे हैं, ग्रीन कलर के ना। चलो पानी पीते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। ORS पावर बैंक लगाया हुआ कैमरे पे, तो उसको लगाते हैं यहाँ पे। गाड़ी आ गई, गाड़ी पुल देखो क्या था, फटफट कर रहा है, देखो कैसे हिल रहा है वहाँ पे, ओह देख रहे हो इधर पानी जा रहा है, ये नया पुल बन रहा साथ में, ओह खड़ खड़ ओह बीच में देखो क्या बना हुआ है, इतना गैप, बाइक वाला, बाइक का टायर जला जाए ना तो बाइक वाला तो नीचे गिर जाएगा। ओह चल चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा भाई, चढ़ जा चढ़ जा ऊपर चढ़ जा। तीखे तीखे पत्थरों से बचा के जाना है,
तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं बल्लू खार, ऐसे कोई जगह नाम है, और यहाँ पे हम खाने वाले हैं मैगी। ये खड़ा अपना पार्टनर, और भूख लग रही थी, दो तीन घंटे हो गए कुछ खाया नहीं था, और अपना तो पेट आवाज़ें लगा रहा था, खाओ कुछ खाओ। हाँ हाँ रुक गए, हवा बड़ी सही चल रही है, देखो यार फ्लैग देखो बाइक का हिल रहा पूरा जोरों से। और यहाँ पे आ चुकी है अपनी मैगी, पहाड़ों की मैगी, तो ये अभी खाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे, फिर चाय पियेंगे यहाँ पे, चाय पी के फिर आराम से यहाँ से जाएंगे। Few minutes later. मैगी बहुत ही बढ़िया थी, और मैंने रील भी बनाई मैगी के, मैगी पे बड़ी बढ़िया रील तो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली है, वो देख लेना आप। और टाइम 7:05 हो चुके हैं अभी, यहाँ पे पूरा चांद है, देखो लग नहीं रहा, 7:05 हो गए शाम के। और हमारा यहाँ से बड़ा अभी 75 किलोमीटर्स, मतलब मान के चलो 2 घंटे। वो जहाँ पे मैगी खाई ना हमने, वहाँ से पूछा तो बंदे को कितना टाइम लगेगा, वो कह रहा था कि मतलब 1.5 घंटा लगेगा। तो हम तो रुकते रुकाते थोड़ा स्लो भी जाते हैं, वो कह रहा था कि मान के चलो कि 2 घंटे आपके 2 घंटे लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। चलो देखते हैं, 9 बजे तक पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाईवे यार एक बात बताऊँ हाईवे के बारे में, ये वाले हाईवे के बारे में, इतना मक्खन हाईवे है ना यार, इतना बढ़िया जबरदस्त हाईवे है ना, बहुत ही मुलायम यार, मज़ा आता है हाईवे पे भगा के चला के, बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे सारी ग्रीनरी है, और कहीं पे भी कोई ग्रीनरी नहीं है, कुछ नहीं है, पहाड़ ही है, मिट्टी मिट्टी है, पत्थर है सारे, और ये एरिया सिर्फ ग्रीनरी है, क्योंकि ये पीछे लिखा था ये छोटा सा कोई टाउन है, तो यहाँ पे लोग रहते हैं, तो इन्होंने देखो लैंडस्केपिंग की हुई है कुछ। हाँ तो पीछे वो रिवर जा रही है, और यहाँ पे सारी ये लैंडस्केपिंग है, और यहाँ सारा एरिया ग्रीन एरिया, सारा कितना बढ़िया लग रहा है, देखो सब ये सब एरिया के पहाड़ों के बीच में ये छोटा सा ग्रीन एरिया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैंने देखा तो मैंने फटाफट बाइक रोकी अपनी, और ये व्यू कैप्चर कर लिया आप सबके लिए। ये देख रहे हो फ्लैग्स कितने सुंदर लग रहे हैं हिलते हुए, और ये देखो वाइट वाइट जो बनाया हुआ ना, कितने सारे बनाए, देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे भी हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो ये जो यहाँ के तिब्बती लोग हैं ना, ये मानते हैं, उनको उनके धर्म में कुछ होता है ऐसा। और ये फ्लैग देखो यार कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा व्यू हो रहा है, ऐसे ऐसे बड़ा सही लग रहा है। सीधी रोड देखो, बिल्कुल सीधी रोड, नीचे जाके सामने ऊपर चढ़ रही है। यहाँ पे देखो पूरा फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे फ्लैट एरिया है, तो यहाँ पे पूरा फ्लैट एरिया देखो, दूर तक पहाड़ है, और यहाँ पे भी दूर 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 पहाड़ है, और यहाँ पे सीधी रोड है, ज़बरदस्त लगती है ये रोड पता है। और इस रोड पे मैं 80 पे भगा रहा हूँ, लोग तो 100 से भी ऊपर चले जाते हैं इस रोड पे भगाने के लिए, पर हम लिमिट में रहते हैं अपनी, 80 में जाएंगे। वैसे तो मैं 60-70 पे चला रहा हूँ, पर अभी मैं सीधी रोड है तो 80 पे चला रहा हूँ, सीधी रोड देखो कितनी ज़बरदस्त लग रही, बढ़िया लग रही है। देखो सारे गाड़ियाँ वाले ओवरटेक करके जा रहे हैं। ये है गुरुद्वारा पत्थर साहिब, गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है। तो अभी चलते हैं अंदर, मेरे को लगता है शायद अंदर वीडियो बनाने नहीं देते, पूछ लेते हैं, अगर बनाने देंगे तो ठीक है। ये निशान साहब है, और ये यहाँ से एंट्रेंस है, अभी हम चलते हैं अंदर।
गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। और आज हम होटल में बैठे हैं अभी, तो रास्ते मुझे कोल्ड हुआ पड़ा बहुत ज़्यादा, तो अभी चाय पी है और अभी मेडिसिन लेते हैं। और अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, शरीर टूट रहा था बहुत ज़्यादा, कोल्ड हुआ पड़ा। हाँ, अभी आज का जो प्लान है वो भी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, रेस्ट करके नहा धो के देखते हैं कि मार्केट जाएंगे ले वाली या कहीं और जाते हैं, जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में देखने में मिल जाएगा। तो कल रास्ते में मैं गुरुद्वारे मत्था टेक के होटल में आ गया था, ये सारे पहले पहुंच चुके थे होटल, तो मैं अकेला होटल में गुरुद्वारा साहब में था, तो ये सीधा होटल आ गए थे, इन्होंने होटल की बुकिंग वगैरह सब करवा दी थी, तो मैं सीधा आया और खाना खाया और मैं सो गया था, कोल्ड हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो चाय पी चुके हैं और मैं आपको रूम दिखाता हूँ, ये हमारा रूम है सम्मी पाजी, ना चले गए रेडी होने ने। बाहर का व्यू भी मैं उठ के खड़ा होऊंगा तो आपको दिखाऊंगा बाहर का व्यू, नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा व्यू, बढ़िया व्यू है, बढ़िया होटल भी ठीक है और इन्होंने पहले बुकिंग करवा ली थी। चलो अब करते हैं वीडियो का एंड, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार लाइक करना, ठीक है ना। इतनी दूर से बाइक चला के आ रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है, बहुत एंटरटेनमेंट हो रहा है। हाँ, बाकी ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।